दोस्तों, रॉयल एनफील्ड का क्लासिक सीरीज हमेशा से एनफील्ड लवर्स के बीच बहुत ही पॉपुलर मॉडल रहा है। कुछ दिन पहले रॉयल एनफील्ड इंडिया ने BS6 कंप्लायंट रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को लॉन्च कर दिया था। BS6 अपडेट के बाद ये बाइक अभी और भी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। आज की इस वीडियो में मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम BS6 वेरियंट का प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट में बताएं ये बाइक आपको कैसा लगा। और इस वीडियो की आखिर में मैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट एंड इंजन नोट भी आपको सुनाने वाला हूं। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अमित। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए और मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम BS6 वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस कोलकाता है 2,09,676 रुपीस। फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो आप क्रोम कलर देख रहे हैं, पहले ये कलर सिर्फ क्लासिक 500 में आता था, लेकिन अभी क्लासिक 350 BS6 में भी आने लगा है। यहाँ तक कि जो स्टिकर एंड स्टाइलिंग क्लासिक 500 में था, वही स्टिकर एंड स्टाइलिंग इस बाइक में भी दिया गया है। इस बाइक का ज्यादातर जगह पे क्रोम कलर देखने को मिल जाएगा। साइड से देखे तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम BS6 वेरिएंट कुछ इस तरह का लगता है, और सामने से देखे तो ये बाइक कुछ ऐसा दिखेगा। फ्रंट साइड में वही राउंड टाइप हेडलाइट दिया गया है। फ्रंट मडगार्ड की तरफ देखे तो फ्रंट मडगार्ड क्रोम कलर का है, और उसके ऊपर में ब्लैक एंड गोल्डन कलर का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड के साथ दो रॉड भी यहाँ पे अटैच किया गया है, जिससे मडगार्ड को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, इस बाइक में क्रोम कलर का 13.5 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा। टैंक के ऊपर में मिडिल में ब्लैक एंड गोल्डन कलर का स्ट्राइप देखने को मिलेगा। टैंक का दोनों साइड में ब्लैक कलर के ऊपर गोल्डन कलर का प्रिंटेड रॉयल एनफील्ड ब्रांडिंग मिल जाएगा। साइड पैनल की तरफ देखे तो दोस्तों, साइड पैनल ग्लॉसी ब्लैक कलर का है, और इसके ऊपर में गोल्डन स्टिकर से क्लासिक 350 ब्रांडिंग किया गया है। दोस्तों, इस बाइक में आपको चॉकलेट ब्राउन कलर का स्प्लिट सीट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस सीट में डुअल स्टिच का यूज किया गया है, लेकिन दोस्तों इस बार भी इस सीट में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेफ्ट साइड में एक हैंडल बार एंड रियर साइड में एक ग्रैबर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। रियर साइड मडगार्ड में ब्लैक एंड गोल्डन कलर का स्ट्राइप मिलेगा, और गोल्डन स्टिकर से रॉयल एनफील्ड ब्रांडिंग भी किया गया है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते दोस्तों, 2020 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम BS6 वेरियंट अभी 346 cc सिंगल सिलेंडर 2-valve एयर कूल्ड इंजन के साथ आ रहा है, और BS6 अपडेटेशन के चलते अभी इस बाइक में फ्यूल इंजेक्शन ऐड कर दिया गया है। रॉयल एनफील्ड इस सिस्टम को EFI बता रहा है, और अभी इस बाइक में ट्विन स्पार्क प्लग की जगह सिंगल स्पार्क प्लग का यूज हुआ है। BS6 अपडेट के चलते इस बाइक का पावर में कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ है। अभी ये बाइक मैक्सिमम 20.07 PS पावर प्रोवाइड करेगा एट 5250 RPM एंड 28 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा एट 4000 RPM। एग्जॉस्ट मफलर की तरफ देखे तो एग्जॉस्ट मफलर को भी अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलेगा, और इसके थोड़ा नीचे यहाँ पे एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी दिया गया है। इसी के चलते अभी इस बाइक का एग्जॉस्ट गैस में पहले से और भी कम कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। और दोस्तों, इस बाइक का एग्जॉस्ट मफलर भी क्रोम कलर का है। इसके अलावा FI होने के बावजूद भी किक स्टार्ट का ऑप्शन इस बाइक में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस बाइक में पहले जैसा ही 5-speed गियरबॉक्स का ही यूज हुआ है। माइलेज की बात करें तो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड का कहना है कि पहले से 10-15% माइलेज इंप्रूव होगा BS6 वेरिएंट में। दोस्तों, यहाँ पे और भी एक फीचर्स इंजन के साथ ही जुड़ा हुआ है, और वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच। इस स्विच के चलते साइड स्टैंड अगर डाला हुआ है तो आपका बाइक किसी भी गियर में स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ न्यूट्रल में ही स्टार्ट होगा। साइड स्टैंड उठाने के बाद ही ये बाइक गियर में स्टार्ट होगा। दोस्तों, ये फीचर्स एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर्स है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी अभी थोड़ा चेंज हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिजाइन तो वैसा ही है, लेकिन इसमें एक इंडिकेटर ऐड हुआ है,
और वो है इंजिन मैलफंक्शन इंडिकेटर। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर मिलेगा। इसके अलावा हाई बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, एबीएस इंडिकेटर एंड लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक फ्यूल मीटर का कमी मुझे महसूस हुआ। अगर फ्यूल मीटर इस बार ऐड होता तो और भी अच्छा हो सकता था। शायद क्लासिक लुक्स को बरकरार रखने के लिए फ्यूल मीटर को ऐड नहीं किया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों 2019 से ही ये बाइक ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ आ रहा है। इस बाइक का फ्रंट व्हील में ड्यूअल पिस्टन कैलिपर 280 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। आप यहां फ्रंट व्हील पे ये एबीएस सेंसर प्लेट देख सकते हैं। रियर ब्रेक्स की तरफ देखें तो दोस्तों इस बाइक का रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 240 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक दिया गया है। क्योंकि ये बाइक ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ आता है, इसीलिए रियर व्हील में भी एबीएस सेंसर प्लेट दिया गया है। फ्रेम एंड सस्पेंशन की बात करते दोस्तों इस बाइक में सिंगल डाउन ट्यूब चेसिस का यूज किया गया है। इस बाइक का फ्रंट में 35 मिलीमीटर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन में सिल्वर कलर के अलावा ग्लॉसी ब्लैक कलर का भी यूज हुआ है। और दोस्तों, लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के चलते फ्रंट सस्पेंशन की साइड में येलो रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रियर साइड में एंड्योरेंस का गैस चार्ज 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सस्पेंशन का जो स्प्रिंग कॉयल है उसका कलर क्रोम है और ऊपर वाला हिस्से में भी क्रोम कलर का ही यूज हुआ है। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 135 मिलीमीटर, सीट हाइट है 800 मिलीमीटर, व्हील बेस है 1370 मिलीमीटर एंड कार्गो वेट है 192 केजी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम BS6 वेरिएंट में दो टाइगर आई और एक पायलट लैंप के साथ 55/60 वाट हैलोजन टाइप हेडलाइट मिलेगा। लेकिन पहले जैसा AHO को इस बार हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, इग्निशन ऑन करते ही हेडलाइट ऑन हो जाता था, लेकिन अभी इग्निशन ऑन होने के बाद सिर्फ पार्किंग लाइट ऑन होगा। इंजन स्टार्ट होने के बाद ही हेडलाइट ऑन होगा। इंडिकेटर्स की बात करें तो येलो लेंस वाला इंडिकेटर्स आपको इस बाइक का फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में ही मिलेगा और इसका बैक साइड में क्रोम कलर का यूज हुआ है। टेल लाइट की बात करें तो दोस्तों इस बाइक में पहले की तरह राउंड शेप्ड 5/21 वाट बल्ब टाइप टेल लाइट मिलेगा। दोस्तों, इस बाइक में आपको क्रोम कलर का हैंडल बार के साथ साथ डिसेंट क्वालिटी का स्विच कंसोल मिलेगा। लेफ्ट साइड में पास बीम, हाई लो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच एंड राइट साइड में इंजन किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिलेगा। और दोस्तों, इस बाइक में क्रोम कलर का राउंड टाइप रियर व्यू मिरर भी आपको मिल जाएगा। व्हील्स एंड टायर्स की तरफ देखें तो दोस्तों इस बाइक का फ्रंट व्हील में 90/90 साइज का ट्यूब टाइप टायर एंड रियर व्हील में 110/90 साइज का ट्यूब टाइप टायर मिलेगा। दोस्तों, ये दोनों टायर ही MRF का है और इस बाइक का फ्रंट व्हील रिम 19 इंच डायमीटर वाला एंड रियर व्हील रिम 18 इंच डायमीटर वाला है और ये दोनों रिम ही स्पोक टाइप रिम है। चलिए अभी इस बाइक को स्टार्ट करके इस बाइक का इंजन नोट एंड एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों, ये था रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम BS6 वेरिएंट का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। आपको ये बाइक कैसा लगा? इस बाइक के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटरसाइकिल एंड स्कूटर रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।